आए दिन शहर में अधिक संख्या में कोरोना से शहरवासियों की मौत हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर कोरोना शव को सीधे स्मशान घाट ले जाकर अंतिम संस्कार किए जाने से मृतक को पुष्पमाला से वंचित रखे जाने से शहर के अधिकांश फूल विक्रेता कारागिरों पर भूखे मरने की नौबत आ पड़ी है। आखिरकार क्या है ये मामला, आइए देखते हैं। हमारे संवाददाता संजय मिरे इनकी ग्राउंड रिपोर्ट फूल मुरझाए इंतजार में। भारत एक ऐसा देश है जिसके अलग अलग हिस्सों में कुदरती नजारा बना हुआ है। यहाँ के जंगल, पहाड़ी, समंदर, हरियाली, फल फूल आदि खिलखिलाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। देश के कई राज्यों और शहरों में रोजाना गुलाब, झेंडू, मोगरा, जरबेरी आदि फूल का उपयोग भगवान की पूजा हो या फिर किसी मृत शरीर का अंतिम संस्कार, बिना फूलों की माला पहनाए कोई भी काम नहीं किया जाता है। शहर में एक तरफ कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, तो वहीं दूसरी ओर खेतों में, बगीचों में सुंदर सुंदर मन को लुभाने वाली कई प्रजाति के फूल अपनी बहार बिखेरते हैं। इन्हीं कुदरती फूलों को फूलमाली और कारागिर पुष्पमाला बनाते हैं, जिससे माली हालात में भी ये लोग चटनी रोटी खा सकते हैं। लेकिन कोरोना और लॉकडाउन ने सबको झकझोर के रख दिया है। हालात तो ये है कि मरने के पश्चात भी परिजन डेड बॉडी को पुष्पमाला नहीं पहना रहे। व्यक्ति मरते ही उसे अस्पताल से सीधा शमशान भूमि पर अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हैं, जिससे मैयत का सामान बेचने वाले हो या फिर हार बनाने वाले कारागिर हर कोई परेशान है। पुष्पमाला तैयार है, लेकिन पहनाने के लिए कोई भी मृत व्यक्ति के डेड बॉडी उपलब्ध नहीं हो रही है। आइए महल के फूल मार्केट से हमारे संवाददाता संजय मिरे इनके ये ग्राउंड रिपोर्ट। फूलों जैसे मुरझा रहे ये फूल कारागिर में। दर्शकों नमस्कार, इस समय में बीसीएन की टीम महल चौक स्थित फूल ओली में यहाँ पे मौजूद है। हम आपको दिखा दें कि यहाँ पे पूरा सन्नाटा सा है, सभी दुकानें पूरी तरह से बंद है और कुछ हार बेचने वाले जिनके घर में मैयत होती है तो ऐसे लोगों के लिए हार बेचने के लिए यहाँ पे कुछ छोटे दुकानदार है, आइए उनसे बात करते हैं। सर ये बताइए कि लॉकडाउन के चलते, सबसे पहले तो सवाल ये कि लॉकडाउन के चलते आपकी दुकान शुरू है, ये कितना उचित है? कितना उचित है बोले तो बस एग्जैक्टली बंद है, बस मैयत के लिए हार फूल बेचते हैं, बस वो चालू है, बाकी पूरी दुकान बंद है। कितने का रोजाना कितने का अपना बिजनेस होता है, क्या कहना चाहोगे फूल को या हार बनाने को लेकर? क्या कभी कभी 50 रुपये, कभी कभी 100 रुपये ऐसे लेके जाते हैं घर में, बस अभी जैसा है वैसा चल रहा है अभी। वैसे सर पहले जो चलता था हमारा बिजनेस 3,000-5,000 रोज का ऐसे चलता था, जो अभी लॉकडाउन की वजह से कोई कस्टमर ग्राहक की ठप सी पड़ गई है, पूरी मंदिर बंद, पूजा पाठ सब बंद की वजह से हमारा हार का बिजनेस पूरा ठप गिर चुका है। बस मैयत के जो गिरे आते हैं उनको 5,000-10,000 रोजाना हम देते हैं, उसे आपसे जो बिजनेस है हमारा बस वही चलता है, रोजी रोटी बस जो निकलती है 200-500 बस वहाँ तक सीमित है। वो तो सर हमारा रोज का फेंकना तो बनता ही बनता है ऐसे, क्योंकि जो कास्तकार लोग हैं उनका जो माल है जो रोज का प्रोडक्शन उत्पादन जो होता है उसमें से आधा माल तो कास्तकार लोग ही फेंक देते हैं, बाकी जो हम 11 बजे तक लिमिट है हमारी, 11 बजे तक जो लिमिट है टाइमिंग हिसाब से वहाँ तक मार्केट जो होता है चालू रहता है, वहाँ तक हम माल लेते हैं, जितना बेचते हैं रोज का थोड़ा मैयत के जो गिरे जाते हैं उसमें ही बस बेचे जाते हैं माल, बाकी तो पूरा माल फेंकने में जाता है। और भी कुछ फूल व्यवसायी यहाँ पे आइए उनसे भी बात करते हैं कि आखिरकार लॉकडाउन के चलते कैसे उन पर क्या कामकाज हो रहा है। मैडम ये बताइए कि कैसा रहा फूलों का कारोबार, कैसा चल रहा है? फूलों का कारोबार पूरा सड़ित है, कह रहे हैं कि लॉस है, धंधा 500 रुपये का भी नहीं होता और पूरा फेंकने में जाता है। कारागिर की रोजी नहीं निकलती 350 रुपये, हम तो भूखे मर रहे हैं पर क्या करेंगे, बैठना पड़ता है मैयत वाले के लिए, मैयत वाले भी नहीं आते, 5 हार 2 हार 1 हार और जिधर पटा उधर जाते हैं, मैयत वाले खुद हमारे पास नहीं आने देते हार के लिए। अभी क्या रेट शुरू है? उनका रेट पूरा गिरा हुआ है, 100 रुपये निशिगंध है, 400 रुपये मोगरा है और 50 रुपये कलर है। लॉकडाउन है ना तो धंधे पानी ही नहीं है, 50 रुपये रोजी भी नहीं निकलती, आदमी की रोजी 15 दिन से हम भर के दे रहे हैं। एक और फूल व्यवसायी महिला की तरफ आए हुए, उनसे भी जानना चाहेंगे, आप बताइए क्या कहना चाहती हो, ये कैसा चल रहा है कामकाज? कामकाज क्या चल रहा है,
सवेरे 9 बजे दुकान लगती, 11 बजे बंद हो जाती है। सब माल पड़ा रहता है, नुकसान क्या, रोज माल लाना, 100-200 धंधा करना, बाकी का फेंकना। फूल फूल खिलते हैं गुलशन गुलशन। इस प्रकार के मंडियों में इस प्रकार के जो हार है पूरी तरह से तैयार है। हार इसलिए ये बनाए गए, फूलों की माला इसलिए बनाई गई है कि कोई भी किसी की मृत्यु होती है तो उनके परिजन दुकानों में आके ये पुष्प माला पहना कर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। मगर ये बनाने वाले जो कारागिर है उनके ऊपर में भूखे मरने की नौबत आ पड़ी है। महल के फूल मार्केट से कैमरा पर्सन मीनाज खान के साथ संजय मीरे, BCN न्यूज़ नागपुर।